सो गाइज, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 जो डिवाइस है इसके लिए फाइनली वन UI 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे फाइनली मेरे डिवाइस के अंदर रिसीव हो चुका है। सो बहुत सारे आपको कमाल कमाल के फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, टोटल साइज़ 1871 MB की इसकी टोटल साइज़ है वो आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता है, इस अपडेट के अंदर आपको लेटेस्ट मार्च का सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है वो भी आपको इसी अपडेट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि मेरे सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस डिवाइस के अंदर भी अभी तक भी नहीं आया है। सो ये बहुत ही कमाल की बात है कि सैमसंग गैलेक्सी A50 जो डिवाइस है, इतना पुराना डिवाइस है, इसके अंदर भी आपको लेटेस्ट अपडेट है, सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है वो इस अपडेट के साथ में देखने को मिलता है। सो सैमसंग का ये एक लेजेंडरी फ़ोन है, बहुत ही कमाल का आपको अपडेट मिला है, वन UI 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत सी पहली वीडियो में बता दिया था कि सैमसंग गैलेक्सी A50 जो डिवाइस है, मार्च का जो मिड है, मार्च के मिड के लगभग ये जो अपडेट है वो आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये अपडेट है जो कि यहाँ पर आ चुका है। सो अपडेट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और सेटिंग वेटिंग सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अबाउट फ़ोन में मेंशन है वन UI 3.1 वर्जन और एंड्रॉयड 11 वर्जन। सो ये लोगो तो एक बार ट्राई करना बनता है। तो आप लोग देख सकते हो एंड्रॉयड 11 का लोगो है वो यहाँ पे फाइनली इसमें एडिट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ कमाल के फीचर्स के बारे में। सो ब्रांड न्यू नोटिफिकेशन शेड है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है ये ब्लू वॉलपेपर के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्लॉक की जो साइज़ है और यहाँ पे ओवरऑल जितना भी जो लुक है नोटिफिकेशन शेड का वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड कूल फीचर्स के बारे में तो वो है न्यू वॉल्यूम डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा इजी यूज है, मैंने सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस जो डिवाइस है इसके अंदर बहुत दिन हो गए मुझे, लगभग 3-4 मंथ्स हो गए हैं। बहुत ही यूजी है, वन हैंड से यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसको ऑन करना है और आप लोग देख सकते हो मेरा दूसरा वाला जो डिवाइस है इसके अंदर आपको ये फीचर है जो कि यहाँ पर मिलता है, डबल टैप। बहुत ही कमाल का फीचर है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और फिंगरप्रिंट का जो लोगो है वो भी यहाँ पे फास्ट हुआ है और बहुत ही चेंज है, इसका जो लुक है वो भी यहाँ पे चेंज किया गया है फिंगरप्रिंट पोजीशन का। सो आपको ये फीचर्स कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।